प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की घोषणा का राजधानी में दिखा असर। सीबीएसई मैनेजमेंट स्कूल ने भी किया समर्थन। निजी विद्यालयों के लिए एक गाइडलाइन जारी करे सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आजमगढ़ में हुई घटना के बाद प्रिंसिपल और शिक्षक की गिरफ्तारी के विरोध में अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की घोषणा के बाद राजधानी के लगभग सभी निजी स्कूल 8 अगस्त मंगलवार को बंद रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के अनुसार आजमगढ़ चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल एवं टीचर की बेल माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी। इस मामले में पुलिस ने जो संगीन धाराएं लगाई हैं, उसकी वजह से निजी स्कूल मंगलवार को बंद रहे। कोई शिक्षक, प्रिंसिपल या फिर प्रबंधक कतई नहीं चाहेगा कि उसके स्कूल के बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो। अगर कोई घटना होती है तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षक और प्रिंसिपल पर डालना सही नहीं है। इसलिए इस घटना के विरोध में सभी बोर्ड के स्कूल मंगलवार को बंद रहे। सीबीएसई मैनेजमेंट स्कूल ने भी इसका समर्थन किया है। संगठन के प्रवक्ता एसपी सिंह के अनुसार स्कूल संचालक अपने फैसले पर अडिग हैं। मंगलवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे, यह है मामला। स्कूल मैनेजमेंट के अनुसार आजमगढ़ के स्कूल में छात्रा के फोन लाने पर प्रधानाचार्य ने टोका तो उसने विद्यालय की बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दी। छात्रा के अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस ने बिना जांच के ही स्कूल की प्रधानाचार्य और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। उधर अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में कोई और घटना हुई है, उनकी बेटी कभी स्कूल मोबाइल लेकर नहीं जाती थी। स्कूल प्रशासन घटना को छिपाने के लिए ये बहाना बना रहा है। अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि निजी विद्यालय के सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे। बताया कि स्कूलों में हो रही लगातार इन घटनाओं की वजह से कोई भी निजी स्कूल में शिक्षक नहीं बनना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता, बच्चों को डांटते हुए भी डर लगता है। ऐसे में बच्चों को समझाना गुनाह हो गया है। अध्यक्ष ने बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों के लिए एक गाइडलाइन जारी कर दी जाए, जिसमें उनके अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और अगर किसी स्कूल में इस तरह की घटना होती है तो पहले घटना की पूरी जांच की जाए। आप पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं कि आपकी प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर बच्ची ने आत्महत्या कर ली, क्या कहें? अगर अपनी जॉब करना गलत है तो शायद मैंने गलत किया है, और अगर अपनी जॉब करना गलत नहीं है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जॉब में ये होता है कि मोबाइल मिला, उसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ जी। तो आप गार्जियन को बुला सकते थे? गार्जियन को बुलाया गया था। तो उस दिन तो नहीं बुलाया गया था? उसी दिन बुलाया गया था गार्जियन को। तो गार्जियन नहीं आए कि बच्ची जो है, बच्ची ने डिनाई कर दिया था कि हमारा फोन नहीं है, मैं उस दिन उपस्थित नहीं थी। जिस दिन मैं उपस्थित हुई मैंने उनको बुलाया। उनकी मम्मी ने ये बोला कि हमारा बच्चा सनबीम में पढ़ता है, 1:30 बजे छुट्टी होगी तो उसको लेके फिर मैं बच्ची को लेने आऊँगी। बस परिजनों का आरोप है कि लगातार 3 दिन तक टॉर्चर किया आपने उनको, बच्चों को। अब परिजन क्या कह रहे हैं मैं क्या बता सकती हूँ, मैं तो अपनी बात बताऊंगी कैसा हमारे यहाँ होता है। 44 साल पहले का स्कूल चल रहा है, आज का स्कूल है हमारा। यहाँ तक कि क्लासरूम में भी बच्ची को ले जाके सबको पहचानवा गया कि यही बच्ची है, इसी ने जो है मोबाइल निकाला था। वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी थी, कैसे क्लासेस में लेके जाएंगे? मतलब बच्चे वहाँ के भी कह रहे हैं ऐसे? बच्चे तो बच्चे ऐसे हमारे बहुत भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अच्छा मैडम, एक सवाल ये बताइए कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि छात्रा आपके ऑफिस के बाहर घंटों खड़ी थी, अंदर गई, फिर आपके ऑफिस से निकल कर बाहर गई, आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ था? आपसे किसी तरह का हाव टॉक हुआ था, किस तरीके की बात हुई? घंटों तो नहीं खड़ी रही, 15 से 20 मिनट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी रही। वजह क्या थी? यही वजह थी कि उनकी मम्मी, मैं अपने बच्चों को बाहर ही रहती हूँ कि मेरे सामने रहेंगे, माँ बाप आएंगे भाई, हम दे देंगे उनको वापस। तो बच्चा क्लास टीचर में क्यों नहीं, क्लासरूम में क्यों नहीं बैठाया गया? भाई क्लासरूम में जाके बच्चा क्या कह दे क्या ना कह दे, कोई अफवाही उड़ा दे, इसी चक्कर में हम लोग क्लास में नहीं रहते। घटना वहाँ से बुलेट हटाया गया, वहाँ से धुलाई की गई, घर वालों को सूचना लेट से दी गई कि आपकी बच्ची गलत गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। एसपी सर ने बयान दिया अभी है आपके ऊपर? ये मैंने पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया? पत्रकारों को आगे आप लोगों को कौन बुलाया है? तो मैं नहीं बता सकती। साक्ष मिटाने वाली बात क्या है? नहीं नहीं, वो गलत है, एकदम गलत है, कोई साक्ष वाक्ष नहीं मिटाया हम लोगों ने। तो क्या कहेंगे जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, इस पे क्या सफाई?
भाई देखिए, ये आरोप जो लगा हुआ है, मैं वही कहूंगी कि अगर अपना जॉब करना गलत है तो ठीक है, गलत है, और मैंने अगर अपना जॉब किया है तो मैं सही हूँ। चलिए ठीक। इस खबर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में।